हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSCW टेक पॉइंट पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है मेरा नाम रमन पांडे है और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RSCW टेक पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया अपडेट्स लेकर के आया हुआ हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में इजिली ही सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जा रहा है वो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल बन सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अपने फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक या फिर अपने व्हाट्सअप का लिंक हम अपने जो यूट्यूब चैनल जो क्रिएट किए हुए हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे डालें। इस वीडियो में मैं वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम के लिंक को और फेसबुक के लिंक को कॉपी पेस्ट कहां से कर सकते हैं और उसको कैसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, उसको कॉपी करने के लिए हमको सबसे पहले अपने फोन के होम स्क्रीन पे जाना होगा, तो हम आपको लेकर के चलते हैं अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन। तो जैसा कि दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने होम स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे आने के बाद आपको फेसबुक का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फेसबुक ओपन हो गया। अब यहाँ पे राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको थ्री लाइंस दिखाई दे रही होगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा, व्यू योर प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे व्यू और योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो मेरा नेट ऑन नहीं है, मैं यहाँ से अपने नेट को ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप व्यू ट्राई अगेन यहाँ पे कर देना है, ट्राई अगेन करेंगे तो आपका ये प्रोफाइल खुल जाएगा। ये प्रोफाइल के नीचे देखिए मोर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस मोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, व्यू प्राइवेसी शॉर्टकट्स कॉपी लिंक टू प्रोफाइल रिव्यू टाइमलाइंस। तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, कॉपी लिंक टू प्रोफाइल। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना दोस्तों, ये आपका फेसबुक का जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। अब आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करना है, तो मैं आपको फिर से एक बार बैक होकर के स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको सिंपली बैक हो जाना है और बैक होने के बाद से आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है studio.youtube.com। studio.youtube.com पे जब आप टाइप करके सर्च मारोगे तो ये आप अपने YouTube के स्टूडियो पे चले जाओगे। ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है YouTube स्टूडियोज पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका YouTube स्टूडियो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे नीचे आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे डाउन साइड में आपको सेटिंग का एक बटन दिख रहा होगा, आइकॉन दिख रहा होगा, इस सेटिंग वाले आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे सेटिंग वाले आइकॉन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ये अभी ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया दोस्तों। मैं आप लोगों को दोस्तों ये जो कॉपी फेसबुक का जो लिंक है उसको अपलोड डिफॉल्ट में आपको पेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ अपने फेसबुक का लिंक। तो यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो अपलोड डिफॉल्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना दोस्तों, ऐसा इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं वो जो मैंने लिंक कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा फेसबुक का जो लिंक है वो कॉपी हो गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइप कर दे रहा हूँ, फॉलो मी ऑन फेसबुक। तो ये दोस्तों आपका कॉपी हो गया लिंक। अब इसको आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, इस पर आपको क्लिक करके सेव कर देना है। सेव कर दिया, ये आपका सेव होगा। अब यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इस पेज को। अब यहाँ से फिर आपको इंस्टाग्राम पे चले जाना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ये देखिए इंस्टाग्राम ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको नीचे में अपना आइकॉन दिख रहा होगा, राइट साइड में डाउन साइड कॉर्नर पे ये आइकॉन आपका दिख रहा होगा जो आपने प्रोफाइल पिक लगाया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थ्री लाइंस पे क्लिक करके और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स सबसे टॉप पे ही आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा इन्वाइट फ्रेंड्स वाई, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, क्लिक बोर्ड पे क्लिक कर देना है। ये आपका कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब यहाँ से फिर इसको मिनिमाइज करके और जो पहले वाला पेज है उसको आपको ओपन कर लेना है, जो हमारा जहाँ से हमने अपलोड डिफॉल्ट अपलोड किया था इसको आपको ओपन करना है। इस पेज को स्टूडियो वाला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे फिर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, ऐसा इंटरफेस खुल गया। फिर आपको अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करके ये आपका डिस्क्रिप्शन वाला जो बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जहाँ पे आपने अभी मैंने फेसबुक का जो लिंक ये कॉपी किया है उसके नीचे हम यहाँ पे
क्या करेंगे, अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक कॉपी कर लेंगे। तो इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करने के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, पेस्ट कर देना है।